dupont analysis is another tool to systematically analyze financial statements we call it as dupont entity because this model has been introduced by a famous us firm dupont there is a difference between return on assets and return on equity and that difference is due to the financial leverage or the usage of debt in the business let return on equity is equal to net income over total equity if we put the value therein we get the return on equity equal to 32% and if we multiply this ratio with assets over assets the result would be the same 32% but this time we would call it as that return on equity is the product of return on assets and equity multiplier, or we will call it as a return on asset into one plus debt equity ratio, which is another name of equity multiplier. So this was the simple decomposition of return on equity. Or if we return on equity, further decompose और इस दफ़ा हम इस डी के लिए पुराने मॉडल को सेल्स ओवर सेल्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा मॉडल सामने आता है जिसके अंदर तीन रेशोज़ यूज़ होती हैं नेट इनकम ओवर सेल्स सेल्स ओवर एसेट्स और एसेट्स ओवर टोटल एक्विटी अगर हम इसको कंबाइन करें तो हम कहेंगे कि पहले दो एक्सप्रेशंस यानी नेट इनकम ओवर सेल्स इन सेल्स ओवर एसेट्स इन दो एक्सप्रेशन को मिला हम बोलेंगे कि इन दोनों की मदद से हम रिटर्न ऑन एसेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और इस रिटर्न ऑन एसेट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड एक्सप्रेशन के साथ जो कि एक्विटी मल्टीप्लायर है तो हमारे पास जो रिजल्टिंग आंसर आएगा उसको रिटर्न ऑन एक्टी कहेंगे अब जो थर्ड एक्सप्रेशन है एसेट्स ओवर टोटल एक्विटी इसको बेसिकली ड्यू पॉइंट एंटिटी कहा जाता है बिकॉज दिस इज द एक्सप्रेशन दैट हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय डू पॉइंट अ फेमस यूएस फर्म। इस मॉडल के अंदर हमारे पास तीन तरह के एक्सप्रेशन हैं और इनको हम डिफाइन कर सकते हैं अनदर वे कि नेट इनकम ओवर सेल्स जो कि प्रॉफिट मार्जिन को जाहिर करता है दैन वी है टोटल एसेट्स टर्न ओवर एंड थर्ड वी हैव एक्विटी मल्टीप्लायर सो फर्स्ट टू एक्सप्रेशंस जो कि प्रॉफिट मार्जिन और टोटल एसड टर्न ओवर हैं इनका कॉम्बिनेशन रिटर्न ऑन एसिड कहलाएगा इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है अगर हम इन दोनों को इंक्रीज करेंगे तो हमारा रिटर्न ऑन एसिड इंक्रीज होगा सो टू पॉइंट एंटिटी में जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को प्रेजेंट करता है और एसेट टर्न ओवर एसेट के एफिशिएंट यूज़ को जाहिर करता है जबकि इक्विटी मल्टीप्लायर फाइनेंशियल लिवरेज को जाहिर करता है फाइनेंशियल लिवरेज की मदद से हम अपनी रिटर्न और इक्विटी को इंक्रीज कर सकते हैं बट देर इज अ प्रॉब्लम दैट हायर द यूज ऑफ डेट देर वुड बी हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड रिजल्टिंग वुड बी द लेसर अमाउंट ऑफ नेट इनकम सो इसके नतीजे में हमारी ओवरऑल रिटर्न ऑन एक्विटी डिक्रीज हो जाएगी नाउ इन तीन वेरिएबल्स को किस तरह से यूज करना है दैट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट चॉइस इफ वी कंक्लूड डू पॉन्ट रेशियो एनालिसिस वी कैन से दैट इंक्रीजिंग रिटर्न ऑन एक्विटी थ्रू लिवरेज डिपेंड्स अपॉन अ फर्म्स कैपिटल एंड डिविडेंड पॉलिसी दैट फर्म खुद डिसाइड करेगी कि रिटर्न ऑन एक्विटी को इंक्रीस करने के लिए वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को किस तरह से कम्प्यूट करेगी अपने डिविडेंड पेमेंट्स को किस तरह से प्लान करेगी रिटर्न ऑन एक्विटी की डी जो है ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीक़ेकार है फाइनेंशियल एनालिसिस का और इस डी के नतीजे में आप चेक कर सकते हैं कि आपकी रिटर्न ऑन एक्विटी में डिक्रीज़ होने के अवामिल कौन कौन से हैं रिटर्न ऑन एक्विटी के अंदर जो बिग डिफरेंस है दिस इज़ प्राइमरली ड्यू टू द यूजेज ऑफ एसेट्स बाय टू डिफरेंट एंटिटीज अगर कोई सी दो कंपनीज की रिटर्न ऑन एक्विटी डिफर कर रही है तो हो सकता है कि उनमें से किसी एक कंपनी ने अपने एसेट्स को बहुत ज़्यादा एफिशेंटली यूज़ किया हो